अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सीखने वाले हैं कि कॉन्फ़िगरेशन रिपोर्ट को कैसे डिसेबल किया जाता है। ये देखें, आपके सामने प्रिंट आउट निकला है कॉन्फ़िगरेशन रिपोर्ट का। जब भी हम मशीन ऑन करते हैं तो मशीन कुछ सेकंड बाद ये रिपोर्ट निकाल देती है। ये तब होता है जब हम नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं जीरोस मशीन का। ये मशीन खुद ब खुद प्रिंट निकालेगी और इसे हम कैसे डिसेबल करें, चले सीखते हैं। सबसे पहले हम इसको अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यूजर नेम देंगे। आज हम सीखने वाले हैं कॉन्फ़िगरेशन रिपोर्ट को कैसे डिसेबल करें। ये देखें, हमारे सामने प्रिंट जब भी हम मशीन ऑन करते हैं, चाहे आप इसको दो दफ़ा ऑन करें चाहे 10 दफ़ा ऑन करें दिन में, तब जब ये मशीन ऑन होगी तो ये खुद ब खुद कॉन्फ़िगरेशन रिपोर्ट इसका प्रिंट आउट निकलेगा। मशीन स्टेटस का बटन प्रेस करेंगे इसको, लाइट ऑन होगी। ये डिवाइस सेटिंग है पहले, और ये जनरल इसको एरो की से नीचे करना, इसको दोबारे नीचे कर देना आपने। ठीक है, ये देखें कॉन्फ़िगरेशन रिपोर्ट, इसको क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये देखें कॉन्फ़िगरेशन रिपोर्ट, हमने सेव कर दिया। इसके बाद वापस जाएंगे, उसके बाद ये सर्विस सेटिंग है, इस पर क्लिक करेंगे। सर्विस सेटिंग क्लिक कर दिया, होम शीट इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये बैनर शीट्स का ये आइकन आ गया। ये देखें, ये भी इनेबल है, यानी प्रिंट बैनर शीट, हम इसको डिसेबल कर देते हैं। और नीचे प्रिंट ड्राइवर ओवरराइड, इसको भी डिसेबल कर देते हैं। अब इसको हम सेव कर देंगे यहाँ से, यहाँ पे बैठ जाएंगे। अब यहाँ से लॉग आउट कर देंगे। ठीक है, अभी हमारी सेटिंग मुकम्मल हो गई है। जब भी हम मशीन चलाएंगे तो ये इसका प्रिंट आउट कॉन्फ़िगरेशन रिपोर्ट पर प्रिंट आउट नहीं निकलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। फ़ी अमानुल्लाह।